जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को। पिछली बार जब मैंने इसको वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि ये स्टॉक आपको समय देंगे तो पैसा कमा कर देगा, और चूंकि पैसा कमा के दिया भी है, पैसा कमा के देने के बाद प्राइस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। और मैं आपको आगे चार्ट पर इस सब चीज के बारे में समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, आपको स्पष्ट रूप से ये पहले समझ लेना चाहिए कि जो IT से रिलेटेड कंपनियां हैं, खासकर जो सॉफ्टवेयर बनाने के क्षेत्र में काम करती हैं, इन कंपनियों में तेजी लंबे अवधि में आती है। शॉर्ट टर्म में यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर पेनी स्टॉक आपके लिए नहीं है। पेनी स्टॉक में समय देना होता है, और मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में बिना पेशेंस का, बिना समय दिए पैसा नहीं बनता है। तो जो हाल फिलहाल के दिनों में लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं और इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज करें क्या करना चाहिए, उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य रखेंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड आपको नुकसान नहीं करेगा। अब आगे की चीजों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले BSE इंडेक्स वेबसाइट पर एक शॉर्ट अपडेट ले लेते हैं कि वहां पे इस स्टॉक के बारे में क्या क्या होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, BSE इंडेक्स वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं तो पाएंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड अभी ESM स्टेज 1 में है। ESM स्टेज 1 का जो मतलब कैटेगरी होता है वो उतनी खतरनाक कैटेगरी नहीं होती जितनी कि 2 और 3 में जब ये कोई भी स्टॉक होता है। तो देखिए, ESM स्टेज 1 में है तो बहुत जल्दी से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का जांच पड़ताल करने के लिए सेबी अपने सर्विस लांस मेजर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज फायदा आपको ये हो जाएगा यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में, तो क्योंकि ये जो स्टॉक है समय समय पर इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, रिवर्स स्प्लिट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है और समय दर समय होते रहते हैं। लगभग हर 1-2 साल पर कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको अलग से भी कुछ इसमें कमाई करने का मौका मिल जाए। देखिए, सामान्यतः तो पेनी स्टॉक में इतने ज्यादा जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक छोटा स्टॉक्स होता है, उसको ग्रो करने के लिए समय चाहिए होता है। लेकिन यदि कोई पेनी स्टॉक समय समय पर आपको कमा अलग से जैसे बोनस के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये बढ़िया बात होती है। अब बात करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी में जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करने की जरूरत है। देखिए, ये जो कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन 200 करोड़ के आसपास, यानी कि जो हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि वैल्यूएशन उसका 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, उस कैटेगरी में तो स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता है। तो डरने की घबराने वाली कोई बात है नहीं। स्टॉक का PE भी बहुत कम है, यानी कि यदि कोई नया व्यक्ति भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। PE इसलिए कम है क्योंकि प्राइस, जैसे मैंने बताया, नीचे की तरफ आ रहा है, और जब प्राइस नीचे आता है तो लोग पैनिक में होते, डरे हुए होते, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जबकि वॉरेन बफेट का कोट है कि जब प्राइस नीचे आए, जब मार्केट गिर रहा हो, उस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी होता है, न कि जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो टॉप पे जाकर बाय कर लीजिए। और दूसरी बात समझिए, यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROC है, यह भी 1.5% के आसपास है, काफी कमाल की बात है। आप इतने सारे स्टॉक्स देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा पेनी स्टॉक है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 1.5% के आसपास है। कुछ ऐसे भी पेनी स्टॉक्स हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा है, अच्छी बात है, जितना ज्यादा उतना अच्छा होता है, बस कम नहीं होना चाहिए और माइनस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पेनी स्टॉक में ज्यादातर देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में होता है। अब असली काम की बात यहाँ पे करते हैं। 1 साल का चार्ट पर जो आप देखेंगे तो प्राइस लगातार उठना शुरू हुआ था, खूब उठा, खूब बढ़ा, खूब लोगों ने पैसा कमाया इसमें। पिछले साल तो जिसने कहीं पे भी इसे स्टॉक उठाया उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक लेवल तक ही प्रॉफिट होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद गिरावट आना तय है। तो यहाँ से प्राइस अपने टॉप पर से जाके नीचे आया, और नीचे आके अब देखेंगे तो इस रेंज में आके कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि स्टॉक जितना लंबा समय बिताएगा इस कंसोलिडेशन रेंज में, इस फेज में, जब ब्रेकआउट होगा, ये बात तय है कि इससे बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, और जब भी ऊपर जाएगा तो जितना लंबा समय बिताता है ना, इसके डबल प्राइस ऊपर निकलता है। और ऐसे भी आप समझिए कि ये जो आप लेवल देख रहे हैं इस रेंज से बाहर निकलने के बाद, इसके डबल, यानी कि ये जो 1.60 रुपये का, यानी कि इसके ऊपर निकला तो प्राइस इजिली 3.20 रुपये या 3.5 रुपये तक इजिली आपको जाते हुए दिखेगा। तो आप कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई एवरेजिंग भी करना चाहते हैं, तो क्या करेगा कि जब प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो वही यहीं पे एंट्री ले लीजिएगा जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता, क्योंकि ब्रेकआउट पे एंट्री काफी जबरदस्त होती है और काफी कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाकर देने वाला होता है। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो बहुत कम समय में किसी स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं, निकालते भी हैं जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक पैसा फंसा कर नहीं रखना चाहते। अब मान लीजिए ये स्टॉक अभी रेंज में फंसा हुआ है और कोई व्यक्ति इसी रेंज में बाई कर ले क्योंकि ये सोच करके भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि कब तक इस कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब भी निकलेगा तो जबरदस्त कमाई करा के देगा इस रेंज से, तकरीबन मान लीजिए 1 रुपए के आसपास प्राइस इजिली 3-3.5 रुपए तक जाएगा, यानी कि आपका पैसा लगभग
डबल से तो प्लस ही होगा, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपको ब्रेकआउट में एंट्री लेने का। और जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उसको अभी होल्ड करने की सलाह दी जाएगी, अभी बेचने की जरूरत नहीं है। यदि प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो वेट कीजिए, जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो जहां जहां पे आपको ठीक ठाक लगेगा वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हैं। जब आप बैलेंस शीट देखते हैं स्टॉक का, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक के पास बिल्कुल ही डेब्ट नहीं है। सामान्यतः जो आईटी कंपनियां होती है ना उनके पास थोड़े बहुत डेब्ट होते हैं, लेकिन इस कंपनी के पास कर्ज नहीं है, अच्छी बात है। और जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो होता है, वह भी कंपनी के पास ठीक ठाक मात्रा में है, 1 करोड़ 78 लाख के आसपास, एक छोटी सी कंपनी के पास। और कैश पैसा पड़ा हुआ, जितना कंपनी का वैल्यूएशन है सोचिए उतना तो इसके पास सिर्फ कैश पैसा पड़ा हुआ, यानी कि यदि कोई बुरा वक्त आता है तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी अपने आप को संभाल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक नजर आता है, आप चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मन में कोई सवाल है कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं सबको कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।